Now let's understand participation constraint. What is participation constraint? So first one is total participation. अगर हमारे किसी एंटिटी सेट की हर एक एंटिटी पार्टिसिपेट करे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी छूट जाए, तो हम उधर से बोलेंगे टोटल पार्टिसिपेशन है. मतलब ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट मस्ट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप. ओके, फॉर एग्जांपल ईच स्टूडेंट मस्ट एनरोल इन एटलीस्ट वन कोर्स. अब इससे मतलब क्या हुआ, हर एक स्टूडेंट को कम से कम एक कोर्स में एनरोलमेंट करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी स्टूडेंट रह जाए जो किसी कोर्स में एनरोल्ड ना हो. देखियो इस ऐसे समझो, ये हमारा स्टूडेंट सेट है, ये हमारा कोर्स सेट है. हम टोटल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो S1, S2, S3, S4, C1, C2, हर एक स्टूडेंट किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड होगा, किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड होगा. यहाँ पे अगर हमने S5 छोड़ दिया, वो किसी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है, तो यानी कि टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि मस्ट एनरोल इन एटलीस्ट वन कोर्स. अब ये तो एक भी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है. अगर ये S5 है और किसी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है, तो टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है, हम उसको बोलेंगे पार्शियल पार्टिसिपेशन. लेकिन अगर S5 लेट से हम यहाँ से रिमूव कर दें, और यहाँ पे S1 भी किसी कोर्स में एनरोल्ड है, S2 भी है, S3 भी है, S4 भी है, सारे के सारे किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स में एनरोल्ड है, S2 इज एनरोल्ड इन C1 एंड C2 बोथ, तो हम इसको बोलेंगे टोटल पार्टिसिपेशन. ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, पार्शियल पार्टिसिपेशन. सो द एंटिटी इन द एंटिटी सेट मे और मे नॉट पार्टिसिपेट. यहां पे आपके पास में अब ऑप्शन आ गया इन द रिलेशनशिप, आप पार्टिसिपेट करें या ना करें. फॉर एग्जांपल सम कोर्सेस आर नॉट एनरोल्ड बाय एनी स्टूडेंट. देखिए ऊपर वाले अभी डायग्राम में S1, S2, S3, S4 सब कोई ना कोई कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन. यहाँ पे C1, C2 किसी ना किसी स्टूडेंट को एनरोल करा रहे हैं अपने कोर्स में, तो ये भी टोटल पार्टिसिपेशन है. एटलीस्ट वन की बात हो रही है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं. देखो यहाँ पे ये मैनी भी है, लेकिन लेट से मैं यहाँ पे C3 एक कोर्स बना दूं जिसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं आया, तो स्टूडेंट की तरफ से तो अभी भी टोटल पार्टिसिपेशन है, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, वेयर एज ऑल द कोर्सेज आर नॉट पार्टिसिपेटिंग. सो अब ये पार्शियल पार्टिसिपेशन बन जाएगा कोर्स की तरफ से बाय एडिंग C3. ओके, तो इसको रिप्रेजेंटेशन करने का क्या तरीका है, स्टूडेंट हमारी एक एंटिटी है, कोर्स दूसरी एंटिटी है, और एनरोल्ड इन ये हमारा रिलेशन है. तो जिधर से टोटल पार्टिसिपेशन है, इफ ऑल द स्टूडेंट्स आर हैविंग एटलीस्ट वन कोर्स, देन वी हैव टोटल पार्टिसिपेशन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन. देखिए यूनरी रिलेशनशिप में हमने पढ़ा था एक डबल लाइन, वो डबल लाइन दूसरी थी, उसमें हम एक बार ऐसे गए और फिर वापस ऐसे आए. इधर क्या है, हम ये डबल लाइन ऐसे जाके वापस नहीं आ रहे हैं, ये डबल लाइन ऐसे है. तो दिस इज वन डबल लाइन, दिस इज नॉट यूनरी रिलेशनशिप. और कोर्स की साइड से हमारा टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है, पार्शियल है. तो सम कोर्सेज आर देयर विच इज इन विच नो स्टूडेंट हैज एनरोल्ड, तो ये हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन हुआ. सो दिस डबल लाइन इज शोइंग टोटल पार्टिसिपेशन. ओके, एक बार फिर से बता देते हैं. लेट से हमारे पास यहां पे स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का सेट है, ये हमारे पास कोर्सेज हैं, और ये कोर्सेज का सेट है. हमारे पास S2, S3, हमारे पास ये स्टूडेंट्स हैं, C1, C2 ये कोर्सेज हैं. अगर हर एक स्टूडेंट किसी ना किसी कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहां से तो सारी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसलिए ये क्या है, टोटल
पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टूडेंट साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, पार्शियल पार्टिसिपेशन। अगर मैं यहां से एक S3 को C2 में भी एनरोल करा दूं तो ये इधर से भी टोटल है और इधर से भी टोटल हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब यहां पे लेट से मुझे एरो लगा दें, अगर मैं यहां पे लेट से ये एरो लगा दूं तो क्या डिफरेंस होगा? इससे डिफरेंस ये आएगा, हमने एरो में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, एरो कब लगाते हैं, व्हेन यू कैन हैव एट मोस्ट वन कोर्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पे एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स नहीं ले सकता। जैसे अगर टोटल पार्टिसिपेशन बनाना है इधर से भी और इधर से भी, तो यहां पे S3 ने एक से ज्यादा कोर्सेज ले लिए हैं, विच इज नॉट अलाउड इन दिस की कंस्ट्रेंट, ओके। दिस अगर मैं ये एरो लगाऊंगा, की कंस्ट्रेंट लगाऊंगा, सो यू आर नॉट अलाउड टू हैव मोर देन वन कोर्स। अब दोनों तरफ से अगर टोटल बनाना है सो आई शुड हैव यहां पे S4, और S4 अब यहां पे C2 को एनरोल करेगा, तो ये टोटल पार्टिसिपेशन है क्योंकि एक स्टूडेंट एक ही कोर्स में एनरोल्ड है और इधर से भी सारे के सारे कोर्सेज एनरोल्ड हैं, तो टोटल पार्टिसिपेशन हो गया दोनों साइड से। और अगर मैं ये नहीं लगाना चाहता हूं तब भी टोटल पार्टिसिपेशन करना है दोनों साइड से, तो ये वाला इधर एनरोल्ड नहीं, लेट से इधर एनरोल्ड है, ठीक है। अगर मैं टोटल पार्टिसिपेशन हटा देता हूं, अब ये टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है ना इधर से ना इधर से, बिकॉज S3 इज नॉट एनरोल्ड इन एनी कोर्स एंड C2 इज नॉट हैविंग एनी स्टूडेंट, तो टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है। बट यहां पे एरो लगा सकते हैं, अब भी क्यों लगा सकते हैं ये वाला एरो, ये डबल लाइन हट जाएगी बट एरो लगा सकते हैं, बिकॉज वन स्टूडेंट इज हैविंग एटमोस्ट वन कोर्स। वापस से की कंस्ट्रेंट को देखिएगा, वहां पे लिखा था एटमोस्ट वन कोर्स, वन और जीरो, एटमोस्ट मतलब क्या हुआ, वन और जीरो, तो यहाँ पे इसका वन कोर्स है, यहाँ पे जीरो कोर्स है, ठीक है। तो एरो कब लगेगा, वन और जीरो के केस में, और टोटल पार्टिसिपेशन जब सबके वन और मोर हो। अगर हमें दोनों ही चीजें लगानी है तो मोर तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि एरो लग गया है, और सबके वन होने चाहिए, जीरो भी नहीं हो सकते क्योंकि हमने टोटल पार्टिसिपेशन लगा दिया है, तो सबका वन ही होगा, वन पार्टिसिपेशन होगा अगर हमने दोनों चीजें एक डबल लाइन भी लगाई और एरो भी लगाया, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब एक एग्जाम्पल लीजिए और मैं लेट से ये लगाता हूं, एम्प्लॉय वर्क्स इन, और हमारे पास में यह है लेट से डिपार्टमेंट। मैंने लगाया टोटल पार्टिसिपेशन और ये लगाया पार्शियल पार्टिसिपेशन, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे एम्प्लॉय है, यहां पे डिपार्टमेंट है, E1, E2, E3, E4, D1, D2, D3। तो देखिए क्योंकि डबल लाइन है तो यानी कि टोटल पार्टिसिपेशन है, यानी कि हर एक एम्प्लॉई किसी ना किसी डिपार्टमेंट में होना जरूरी है, किसी भी एम्प्लॉई को आप छोड़ नहीं सकते, तो आपने ये बनाया लेट से E1 एंड E2 आर इन D1, E3 इन D2 और E4 इन D2। तो देखो सारे के सारे एम्प्लॉई एनरोल्ड हैं, तो टोटल पार्टिसिपेशन हो गया, और यहाँ पे D3 किसी भी डिपार्टमेंट कोई भी एम्प्लॉई नहीं है D3 डिपार्टमेंट में, तो इसलिए यहां से पार्शियल पार्टिसिपेशन हो गया। अब लेट से मैं इसको बना देता हूं टोटल पार्टिसिपेशन, तो भी ये वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि जीरो और मोर की बात, जीरो और वन की बात हो रही है, एरो लगाते ही एटमोस्ट वन, सो वन एम्प्लॉई इज इन वन डिपार्टमेंट। बट लेट से अगर मैं ये एक लाइन ऐसे बना दूं E1 से D2 की तरफ, तो दिस E1 इज इन D1 डिपार्टमेंट एंड D2 डिपार्टमेंट बोथ, तो E1 इज इन टू डिपार्टमेंट्स, जीरो और वन हो सकता है, एरो के केस में टू नहीं हो सकता, तो ये एरो नहीं लगा सकते हम इस केस में, ये बात हम आपको बता रहे थे। अगर मुझे इधर से भी टोटल बनाना है तो ये D3 भी किसी ना किसी एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये एरो हमने यहां से हटा दिया, और E3 इज इन D3 ऑल्सो,
देखो इधर से सारे इंप्लॉइज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इधर से सारे डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टोटल पार्टिसिपेशन हो गया। और क्योंकि एक इंप्लॉई एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में है, इसलिए यहाँ पे हम एरो नहीं लगा सकते, ठीक है। और हमने किसी इंप्लॉई को लेट से छोड़ दिया, यहाँ पे हमने ऐसे किया, देखो ये E4 किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, इधर से सारे डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये डबल पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, टोटल पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। लेकिन डिपार्टमेंट टोटल पार्टिसिपेशन कर रहा है, इधर एरो लगाया जा सकता है फिर भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में देखिए ये E3 ये भी नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इधर से टोटल पार्टिसिपेशन है और इधर से ये है, तो हमारे पास E4 अभी किसी में भी एनरोल नहीं है, इसलिए टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है। और हर एक एम्प्लॉई आइदर वन डिपार्टमेंट में एनरोल्ड है और जीरो डिपार्टमेंट में है, तो इधर से हम एरो लगा सकते हैं। यहां पे लेट से ये D3 नहीं है, अगर ये D2 नहीं है तो टोटल पार्टिसिपेशन है, अगर यहाँ पे हम D2 लिख दे रहे हैं तो एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें कोई इंप्लॉय नहीं है, तो ये टोटल पार्टिसिपेशन फिर नहीं लगा सकते। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल सी कार्डिनैलिटी विच इज 1:1, 1:2 मैनी, मैनी 2:1 एंड मैनी 2:मैनी। थैंक यू।